मुंबई पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ये महिलाएं 15 दिन की एक बच्ची को बेचने की कोशिश कर रही थी। अडॉप्शन सेंटर के एक सदस्य को सूचना मिली थी कि ये महिलाएं बच्ची के लिए खरीदार तलाश रही हैं। अडॉप्शन सेंटर सदस्य ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को खरीदने का झांसा महिला को दिया। महिलाएं जब सौदे के लिए सामने आई तो पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पुणे में कपल को बच्चा गोद लेना था। इसके लिए उन्होंने कुछ महीने पहले एक अडॉप्शन सेंटर से बात की थी और अडॉप्शन के लिए अप्लाई भी किया था। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में कहा गया था कि उन्हें अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी के बिना 4.5 लाख रुपए में बच्चा मिल जाएगा। मैसेज में कहा गया कि अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो वो इस नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इसके बाद उस व्यक्ति ने पुणे में अडॉप्शन के एक कर्मचारी को सूचित कर दिया। उसके बाद उन्हें पुणे के वुमेन एंड चिल्ड वेलफेयर से संपर्क किया गया, जिससे जांच में पता चला कि ये मैसेज मुंबई से आ रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ एक गेम खेल डाली और उस गेम में पुलिस को कपल बना डाला। फिर उन्हें माता पिता होने का नाटक करना पड़ा। आरोपी से संपर्क भी किया गया और कहा वो एक नवजात बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। फोन पर बातचीत होने के बाद आरोपी कोलीवाड़ा के एक नर्सिंग होम में उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आरोपी ने 4.5 लाख रुपए की मांग की और उसने कहा कि वो बच्ची के माता पिता को 4 लाख रुपए देगी और 50,000 खुद रखेगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी सायन कोलीवाड़ा स्थित नर्सिंग होम में गए। जब आरोपी ने बच्चे को पुलिस कर्मियों को सौंप दिया तो पुलिस कर्मियों ने दो महिलाओं को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को उसी वक्त सुलझा दिया। दोस्तों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज के साथ।